आइंस्टाइन आया, अब रोल है आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन आता है, वो कहता है देखो ऐसा है कि सारी रिजल्ट सारे ठीक हैं, एक्सप्लेनेशन सारी गलत हैं। तो एक्सप्लेनेशन में उसने ये बताया, 1905 में नोबेल प्राइज मिला था इस बात के लिए से समझाने के लिए कि ऐसा हुआ था। उसने ये बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो वेव थ्योरी है ही नहीं, वो क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, जिसके बीच में रेडिएशंस ट्रेवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। वेव थ्योरी से एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी, फोटोन से आएगी। ईच एनर्जी ऑफ फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी क्या है, एच न्यू है। और ये भी उसने बताया कि इंसिडेंट फोटोन है, काइनेटिक एनर्जी है फोटोन की, और इसके अंदर वेरी फ्यू, लेस देन 1% ऑफ फोटोन्स हुज एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन आर केपेबल ऑफ इजेक्टिंग द फोटो इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था ना, 100 फोटोन गिरोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1% एफिशिएंसी है सिर्फ, बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे भी नहीं। ये उसने हमें बताया। उसने कहा कि प्योर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई हो रहा है इसमें। जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारता है तो फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। तो हाफ एम वी स्क्वायर इसके इक्वल है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया। ये रिजल्ट आइंस्टाइन की थ्योरी का रिजल्ट है। और उसने, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो उसने इक्वेशन बनाई उससे फोटो इलेक्ट्रिक लॉज को एक्सप्लेन किया। पहला लॉ क्या कहता था, इंटेंसिटी, क्योंकि वेव थ्योरी कहती थी अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन आइंस्टाइन कहता है जब इंटेंसिटी बढ़ाओगे, यहाँ पर इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी नहीं है, यहाँ पर इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फोटोन्स पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाने से आपकी जो एनर्जी नहीं बढ़ती, एनर्जी न्यू से बढ़ती है, इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए उसने एक्सप्लेन किया, जब इंटेंसिटी बढ़ाते हो आप नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा गिरते हो, जिस चक्कर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलते हैं तो करंट बढ़ता है। एक्सप्लेन किया उसने, थ्रेशोल्ड को एक्सप्लेन किया कि अगर आपकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और नेक्स्ट एक्सप्लेन किया, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और नेक्स्ट है, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी भी डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी भी डिपेंडेंट नहीं है, जो हमने पहले पढ़ ली। और टाइम लैग में ये समझाया, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कोलिजन्स का प्रोसेस है, जब एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारता है, टक्कर में टाइम लैग नहीं होता, उसी टाइम इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट है।